हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंग्लिश। एज यू नो, आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन पार्ट्स ऑफ स्पेस। सो लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस एडजेक्टिव, दैट वाज पार्ट वन। दिस इज पार्ट टू एंड आई विल डिस्कस डिफिनीशन एंड सम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन दिस वीडियो। सो आई विल डिस्कस पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इन दिस पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें पोजेशन के बारे में बताता है, ओनरशिप के बारे में बताता है। सो अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर अ नाउन टू शो हु और वॉट ओन्स इट। कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, लाइक माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। तो माई हम किसके साथ यूज़ करते हैं? आई के साथ। आर यूज़ करेंगे वी के साथ। योर यूज़ करेंगे यू के साथ। ही के साथ हिज यूज़ करेंगे। शी के साथ हर यूज़ करेंगे। दे के साथ देयर यूज़ करेंगे। और इट के साथ इट्स यूज़ करेंगे। आपको प्रोनाउन में मैंने ये बात समझाई है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जिससे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। शी लाइक्स योर हैट। उसे तुम्हारी हैट पसंद है। तो यहाँ पे हैट किसकी? योर। तो यहाँ पे योर वर्ड जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। प्लीज़ गिव मी माय कोट। प्लीज़ मुझे मेरा कोट दे दीजिए। तो यहाँ पे कोट किसका है? मेरा। तो मेरे के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ? माई। तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और कोट क्या है? नाउन। हैट क्या है? नाउन। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। दोज आर हर बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स क्या है? नाउन। हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि बुक किसकी है? उसकी। अब हर किसके लिए यूज़ होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। और दोज हम कब यूज़ करते हैं? जब हम जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो वो मोर देन वन हो और दूर हो। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। दैट इज़ हिज कार। तो कार क्या है? एक नाउन है। और कार के पहले हमने क्या वर्ड यूज़ किया? हिज, कि वो उसकी कार है। तो यहाँ पे हम ही के साथ हिज यूज़ करते हैं। और ही हम कब यूज़ करते हैं? जब मैस्कुलिन जेंडर हो और सिंगुलर नाउन हो। दैट हम कब यूज़ करते हैं? जब सिंगुलर नाउन हो और दूर हो। जैसे कि यहाँ पे कार दूरी पे है और वन है, तो यहाँ पे दैट वर्ड यूज़ करेंगे। सो हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या देखा? पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हुज। कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव किस बात का आंसर देता है? हुज, कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पोजेशन बता रहे हैं, वो हमें बताता है कि वो किसका है, किसका बिलोंग, किससे बिलोंग करता है, किसकी ओनरशिप है, किसका पोजेशन है, हमें ये बताता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने लास्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि आपको क्या बताया था। डेमोन्स्ट्रेटिव जो जहाँ वर्ड यूज़ होता है वो किसी चीज़ को रेफर करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इस वर्ड की पोजीशन अलग हो जाएगी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इस वर्ड की पोजीशन अलग हो जाएगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस देखने के लिए लास्ट वीडियो देखिए, प्रोनाउन का। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसे अक्सर डिटरमाइनर भी कहा जाता है। इट आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन एज नियर और फार, इंक्लूडिंग इन टाइम। तो ये क्या बताता है? किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे है, पास है या दूर है, वो ये बताता है। तो कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। दिस, दिस किसके लिए यूज़ होता है? नियर, सिंगुलर के लिए। दैट अभी आपको बताया, फॉर, जो कि चीज़ फॉर हो और सिंगुलर हो। दीज कब यूज़ करते हैं? जो चीज़ पास हो और मोर देन वन हो। दोस्त कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ दूर हो और मोर देन वन हो। इसी तरह सच भी है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट मतलब कोई चीज़ एग्जैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोस, सच, द, सेम। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, हमें पता है कि वो किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। लेकिन इनडेफिनिट में हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, सम, एनी, सर्टेन, अदर, एनअदर, एनी अदर। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ को बताया जा रहा है, लेकिन दिस, दैट, दीज, दो, सच, द, सेम में हमें पता है एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। दोज हिल्स आर फॉर अवे।
अब यहाँ पे जो हिल्स हैं वो काफ़ी दूरी पे हैं, तो यहाँ पे हिल्स के लिए इसीलिए दोज वर्ड यूज किया है। और देखिए कैसे यूज हुआ है, नाउन के जस्ट पहले। तो एडजेक्टिव की यही खासियत है कि वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे ही हिल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, दीज बनानास आर राइप, ये बनानास जो है वो राइप हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बनाना जो है उसके पहले हमने दीज यूज़ किया है, तो दीज किस लिए यूज़ होता है, जब कोई चीज़ पास हो और मोर देन वन हो, तो ये पास है और मोर देन वन भी है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, कि वो बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये बुक दूरी पे है तो इसलिए यहाँ पे दैट यूज़ किया है और सिंगुलर नाउन है। सच क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और सेकेंड पर्सन ने उसी क्वेश्चन को इंडिकेट करते हुए बोला कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो पता है लिसनर को भी पता है कि स्पीकर किस क्वेश्चन की बात कर रहा है। आई मेट अ सर्टेन वुमैन स्टरडे, अब यहाँ पे देखिए किसी स्पीकर ने आई कब यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन में, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम आई यूज़ करते हैं। प्रोनाउन में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने डिस्कस किया है, प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप और वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आई कब यूज़ करेंगे, यू कब यूज़ करेंगे, वी कब यूज़ करेंगे, वहाँ पर ही टेबल है। तो आई मेट अ सर्टेन वुमेन स्टरडे, कि मैं कल एक सर्टेन वुमेन से कल मिला। अब यहाँ पे सर्टेन में हमें नहीं पता कि वो किस वुमेन की एग्जैक्टली बात कर रहा है, तो वो क्या हुआ, इनडिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो आई होप कि आपको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया है, ये जो इसके क्लासिफिकेशन है इसका, इसे ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन आए इस तरह का कि डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप फाइंड आउट करिए क्या है, तो आपको समझ में आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ हमें एग्जैक्ट पता है, जिस चीज़ को रेफर किया जा रहा है, वो होता है डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन हमें जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होता कि एग्जैक्ट किसे रेफर किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एक ग्रुप में से हर एक पर्सन को रेफर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस मैंने समझाया था, तो प्रोनाउन के एक बार वीडियो आप देख लीजिए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेन यहाँ पे जो वर्ड का प्लेस है वही चेंज होता है, तो आपको देखना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट रेफर टू ईच पर्सन और थिंग वन बाय वन इन अ ग्रुप। तो जैसे किसी पर्सन की तरफ कलेक्टिवली इशारा कर रहा है, लाइक बॉयज, बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहाँ पे ईच बॉयज, एवरी बॉयज कुछ ऐसे यूज़ करेगा जिससे कि हमें पता चले कि हर एक पर्सन को बता रहा है। लेट्स सी सम एडजेक्टिव्स, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एनी, बोथ, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ईच है, तो ईच भी हर एक के लिए यूज़ हो रहा है, एवरी भी हर एक के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को जब रेफर करते हैं और उसमें से हम हर एक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ईच पर्सन शुड ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर डेली, कि हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को 8 glasses ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, तो वो यहाँ पे एक पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते, वो सभी की बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया वन बाय वन इन ग्रुप, तो वहाँ पे भी वन बाय वन की ही बात हो रही है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ड्रिंक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर आफ्टर टेकिंग ईच मेडिसिन, तो यहाँ पे मेडिसिन क्या है, नाउन है और मेडिसिन के लिए वर्ड यूज हो रहा है ईच, तो हर एक मेडिसिन की बात हो रही है कि हर एक मेडिसिन के बाद तुम्हें फ्यू सिप्स ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। तो मेडिसिन जो कि ग्रुप में थी, बहुत सारी मेडिसिन थी, उसके लिए ईच वर्ड यूज हुआ है, तो हमने वन बाय वन मेडिसिन को रेफर किया है। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ही गेव सम वाटर टू ईच प्लांट्स, कि उसने सभी प्लांट्स को एक एक करके पानी दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लांट्स हैं, लेकिन जब ईच प्लांट लग गया तो हम समझ गए कि वो हर एक प्लांट को
अलग अलग वन बाय वन रेफर कर रहा है. ईदर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, या नीदर यू नॉर ही. नीदर जब लगता है तो उसके साथ नॉर लगता है, और ईदर जब लगता है उसके साथ और लगता है. ये आपको ध्यान देना है. तो अगर हम बोलेंगे ईदर, तो ईदर किस लिए यूज होता है, उसके लिए भी आप प्रोनाउन की एक बार वीडियो देख लीजिएगा. वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने डिफरेंस समझाया है, तो वहाँ पे ईदर और नीदर वाला भी एक कॉन्सेप्ट आया है. तो ईदर हम कब यूज करते हैं, जब टू चॉइसेस हों हमारे पास और दोनों में से कोई एक हम चॉइसेस चूज करते हैं. लाइक ईदर ऑफ यू इज राइट, कि तुम दोनों में से कोई एक सही हो. और हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं. और जब नीदर यू है, नीदर यू नॉर ही इज राइट, तो वहाँ पे देखिए ना तो तुम ना वो सही है, इनमें से हम कोई ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए, या तो तुम या तो वो इस मिस्टेक के लिए जिम्मेदार है. इसमें देखिए एक पॉजिटिव हमें आंसर मिल रहा है कि कोई एक जिम्मेदार है. दूसरा क्या है, ना तो तुम ना वो जिम्मेदार है इस मिस्टेक के लिए, तो इसमें हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है. आई होप कि आपको ये ईदर और नीदर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है. एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर, के हर एक स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. अब यहाँ भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब हमने एवरी लगा दिया तो हम हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. एवरी लैपटॉप कम्स विद अ फ्री बैग, है ना, ऐसा है. सबको पता है कि जो जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसके साथ एक बैग फ्री में मिलता है और उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है. तो यहाँ पे हर एक लैपटॉप की बात की जा रही, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो वन बाई वन की बात की जा रही है. लाइक उसको अलग से रेफर किया जा रहा है, तो हम एवरी लगा देते हैं. कैन आई ईट वन मोर कुकी, तो यहाँ पे कुकी जो कि एक नाउन है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वन. तो ये भी कुकीज़ बहुत सारे हैं और वन जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कुकी की तरफ इशारा करने लगता है. सो आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है. लेट्स सी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब हम नाउन को एम्फसाइज करने के लिए कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो उसके लिए प्रोनाउन की वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है. सो कुछ ऐसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हैं जो हम यूज़ करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, लाइक वेरी, ओन, इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. दिस इज़ माई ओन हाउस, कि ये मेरा खुद का अपना हाउस है. तो यहाँ हाउस भी बता देता तो भी पता चल जाता कि वो उसी का है, लेकिन उसने इस नाउन हाउस पे एम्फसाइज करने के लिए वर्ड यूज़ किया है ओन, कि ये मेरा खुद का अपना घर है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. दिस हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, तो यहाँ पे अगर आइज बताता तो भी हमें समझ में आता कि ये मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन इसने बोला कि ये मेरी खुद की आंखों के सामने हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एम्फसाइज हो गया. ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड आई हैव स्पोकन, कि उसने वही सेम वर्ड बोले जो मैंने आपको बताया. तो यहाँ पे क्या है, ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड आई हैव स्पोकन, जो मैंने बोला उसने भी वही सेम वर्ड बोले. तो यहाँ पे वेरी जो है वो सेम वर्ड को एम्फसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. माइंड योर ओन बिजनेस, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे, कि माइंड योर बिजनेस, लेकिन हम जब एम्फसाइज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस. तो यहाँ पे ओन क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. इज दैट योर एक्चुअल नेम, जब हम किसी से पूछते हैं कन्फर्म करना चाहते हैं, हम नॉर्मली पूछते हैं इज दैट योर नेम, लेकिन जब हम एम्फसाइज कर रहे हैं नेम पे कि क्या वाकई में ये तुम्हारा रियल नेम है, तो हमने वर्ड क्या यूज़ किया, एम्फसाइज करने के लिए, एक्चुअल. सो आई होप कि आपको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव समझ में आ रहा है. लेट सी मोर एग्जाम्पल. सिट इन योर ओन चेयर, कि अपनी खुद की चेयर में बैठ जाओ, जो तुम्हारी चेयर है उसमें बैठ जाओ. अब हम यहाँ चेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब चेयर वर्ड पे एम्फसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओन, कि एक पार्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ ये एम्फसाइज कर रहा है कि अपनी कुर्सी पे, अपनी चेयर पे बैठ जाओ. दैट इज़ द वेरी वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हम नॉर्मली बोलते हैं क्या, दैट इज़ द वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि यही वो पर्सन है
जो वहाँ पे वो पर्सन खड़ा है वही वो पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन हम वेरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो वन जो वर्ड है, वन क्या है, किसी पार्टिकुलर को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एम्फेसाइज हो गया कि यही वो पर्सन था जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। दैट इज़ द परफेक्ट पिक्चर फॉर आवर लिविंग रूम। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ द परफेक्ट, हमने जब वर्ड यूज़ किया पिक्चर के लिए तो एम्फेसाइज कर दिया पिक्चर पे कि ये एक परफेक्ट पिक्चर है हमारे लिविंग रूम में लगाने के लिए। तो ये क्या हुआ, एम्फेसाइज कर रहा है। सो आई होप कि आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम कैसे अपनी बातों को एम्फेसाइज करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो टेल मी इज़ दैट द होल स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी को एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, होल, कि क्या यही पूरी स्टोरी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो इसी टॉपिक के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। एडजेक्टिव के जो पहले के पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उस पर आप जाइएगा और आपको जो भी लास्ट वीडियोस हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो प्रोनाउन हो नाउन हो, आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो भी नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपका जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू ऑल।